अब यार फ्लिपकार्ट वाले प्रॉमिस किए थे आईफोन की जो प्राइस है वो रिवील करेंगे आज, लेकिन आज आईफोन के प्राइस तो रिवील किए लेकिन आईफोन 15 और 15 प्लस की प्राइस रिवील ही नहीं किए, और 14 और 14 प्लस का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में काफ़ी हमारे भाई हैं जिनके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फ्लिपकार्ट वाले प्राइस नहीं बताएं तो आखिर में कौन से प्राइस हमें देखने को मिलेगा आईफोन 15 और 15 प्लस और 14, क्योंकि देखो आईफोन 13 पे तो प्राइस आ चुका था पहले ही 38,000, अमेजन पे हमें देखने को मिलेगा और फ्लिपकार्ट पे आज प्राइस रिवील भी हुआ, तो आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स का रिवील करके हट गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आईफोन के सारे एग्जैक्ट प्राइस बताने वाले हैं जो इस बार बीबीडी सेल के दौरान आने वाला है। और ये जो आईफोन 15 प्रो आप देख रहे हो इसकी प्राइस दिखाया जा रहा है कि हम 90,000 में आपको दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में इसकी प्राइस 95,000 है। अब ये लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले 90,000 दिखा के, सारा कुछ आपको बताते हैं एक एक करके। चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए बात करते हैं इसके बारे में। शुरुआत करते हैं आईफोन 13 से। आईफोन 13 आपको अमेजन पे देखने को मिलेगा, ये मैं पहले भी आपसे बोला था, और इसकी प्राइस 38,000 आपको देखने को मिलेगी आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। अब देखो अगर बात करें आईफोन 14 का क्या हाल है, तो आईफोन 14 हमें कहीं पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईफोन 14 हमें फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा, और आईफोन 14 अभी फ्लिपकार्ट वाले काफ़ी सेव करके रख रहे हैं क्योंकि शायद ये ज़्यादा बेचना नहीं चाह रहे हैं आईफोन 14 को, क्योंकि आईफोन 14 13 अगर आप देखेंगे ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको आईफोन 14 अगर मिलेगा अभी तो 43 लेके 45,000 के अंदर ही मिलने वाला है आईफोन 14, लेकिन आईफोन 15 प्लस आपको 50,000 से लेके 52,000 तक मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें आईफोन 15 की, तो आईफोन 15 देखो अभी ये लोग बिल्कुल रिवील नहीं किए भैया, आए आधा घंटा बक बक किए उसके बाद चले गए, अभी तक कोई भी प्राइस रिवील नहीं किया गया ऑफिशियल फ्लिपकार्ट की तरफ से। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आईफोन 15 की जो प्राइस इस बार पड़ने वाली है आपको 50 से लेके 52,000 ही रहने वाली है, क्योंकि हर साल का इनका यही है कि जो लेटेस्ट आईफोन होता है ना जो एक साल पुराना हो जाता है उसको ये लोग कुछ ऐसे ऑफर वगैरह करके आपको 50,000 में देने का वो करते हैं। तो इस साल भी आपको 50 से लेके 52,000 तक आईफोन 15 देखने को मिलेगा, और आईफोन 15 प्लस की अगर बात करें तो ये आपको 62 से लेके 65,000 तक देखने को मिलेगा, और आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स की प्राइस तो ऑलरेडी रिवील कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे भी ये लोग स्कैम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो अभी मैं जैसे ही फ्लिपकार्ट अगर मैं अपना खोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 15 प्रो मैक्स की प्राइस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 109,000 में हम आपको देंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप नीचे देखेंगे तो इसकी MRP दिखा रहे हैं कि 1,34,000 इसकी MRP है, उसके बाद सेल के दौरान हम 1,19,000 में दे रहे हैं, और यहाँ पर मतलब 1,20,000 में दे रहे हैं, और यहाँ पे 5,000 का बैंक डिस्काउंट है। मतलब अगर आपके पास कार्ड है HDFC का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो आपको 5,000 का अलग डिस्काउंट मिलेगा। और मेन लूप यहाँ पे आता है एडिशनल ऑफ ऑन एक्सचेंज, यहाँ पे जो लास्ट वाला है। अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज का 5,000 आपको दे रहे हैं। अब मान लो अगर आपके पास एक फ़ोन है ना, अगर आप अपने फ़ोन को फ्लिपकार्ट पे दोगे तभी आपको ये 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन आपका 5,000 में ले लेंगे, अब अगर आप फ़ोन दोगे तो 5,000 आपके फ़ोन की वैल्यू जो होगी वो दिया जाएगा, लेकिन 5,000 आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब आपका मान लो फ़ोन ये 6,000 का है और इसमें 5,000 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देंगे, तो कुल मिला के 11,000 हो गया। तो अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो ये 5,000 आपको नहीं मिलेगा। तो आईफोन 15 प्रो जो आप 1,10,000 में लेने वाले हो, इसकी प्राइस हो जाती है 1,15,000। मैं मानता हूँ सबके पास नहीं होता है फ़ोन देने के लिए, किसी किसी के पास होता है, तो यहाँ पे ये लोग लिख दिए हैं 1,10,000 में, बट 1,10,000 में मिलेगा नहीं। और सेम चीज़ यहाँ पे आईफोन 15 प्रो देखेंगे तो यहाँ पे आईफोन 15 प्रो देखो आप लोग, यहाँ पे 90,000 लिखा गया है, और 90,000 वही एडिशनल एक्सचेंज को मिला के, और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है देने के लिए तो ये फ़ोन आपको पड़ेगा 95,000। मतलब 5,000 का वही कार्ड डिस्काउंट है, बाकी कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे ये लोग लूटते हैं। वैसे गुरु मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये आपको शायद कोई नहीं बताए, आईफोन 15 जो आपको मिलेगा ना उसमें भी ये लोग एक्सचेंज ऐड करके आपको ऑफर देंगे। मतलब किस काम का ऑफर, नहीं तो वो शायद 55-55 तक मिले। तो आप एक दूसरा फ़ोन जुगाड़ अगर कर सकते हो तो कर लेना, 5,000 यार आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके फ़ोन की जो वैल्यू रहेगी वो मिल जाएगी। तो अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है तो उसको आप दे सकते हो, ये सही टाइम भी होता है कि आपको
एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, मतलब 5000 का डिस्काउंट मिलेगा और आपके फ़ोन की जितनी वैल्यू होगी वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक सही टाइम है, तो जिनके पास है वो लोग ये फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी यार यही कुछ चीज़ थी जो आपको बताना था, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लोग मतलब एक टाइप का फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन ज़रूर कमेंट में आप बताना कि आपका क्या ओपिनियन है फ्लिपकार्ट को सेल को लेके, और कौन सा आईफोन आप इस बार लेने वाले हो जरूर बताना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।